नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। 370 धारा को हटाया गया है और साथ ही साथ आर्टिकल 35 ए को भी हटाया गया है और अब जम्मू और कश्मीर जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर की हम बात कर ले तो वो अब विशेष राज्य नहीं रह गया है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और लद्दाख को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही गई है। बड़ा ऐलान आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसको लेकर विपक्ष जोरदार हंगामेदार दिखा, हंगामा किया। लेकिन इस बीच बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जहां जेडीयू, लोजपा और बीजेपी सरकार में है, लेकिन 370 धारा और आर्टिकल 35 ए को लेकर जो विरोध लगातार जेडीयू दिखाती रही है, आज वो राज्यसभा में भी देखने को मिला और राज्यसभा में जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर ने विरोध जताते हुए तमाम बातें कही। क्या कुछ कहा रामनाथ ठाकुर ने, जरा वो सुन लीजिए। श्री अमित शाह गृह मंत्री जी ने जो पेश किया है उसका स्पष्ट अपने दल की तरफ से स्पष्टीकरण के साथ मैं बहिष्कार करना चाहता हूं। 1996 से 370 सिविल कोड और विवादित मामला में हमारे दल का मान्यता है कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय है उसको धारण करें या समझौते के द्वारा निर्णय हो उसको धारण करें, आपसी समझौते से हल हो जाए, मैं इसके पक्ष में हूं, मेरा दल इस पक्ष में है। 70 वर्षों में क्या खोया, क्या खोया, क्या पाया? न रोजगारों को रोजगार मिला, न विकास हुआ, न एससी ओबीसी को आरक्षण मिला, राष्ट्रवाद को के नाम पर हम सब एक हैं। इन शब्दों के साथ हमारा दल बहिष्कार करता है। धन्यवाद प्रोफेसर। न्यूज 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।